हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस के अवसर पर जिला कारागार पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। कहा, आज के युवाओं को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेनी चाहिए सीख, देश हित में करना चाहिए कार्य। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों ने जिला कारागार पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। कहा, देश की आजादी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का है अहम योगदान, हम सबके हैं प्रेरणा स्रोत। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चल रहे ललित कला महोत्सव का हुआ समापन। प्रतियोगिता विजयी छात्र व छात्राओं को किया गया सम्मानित। कहा, प्रतियोगिता से बच्चों में निखरती है प्रतिभा, सभी बच्चों को प्रतियोगिता में लेना चाहिए भाग। राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक यशवंत सिंह राठौर ने अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस के अवसर पर जिला कारागार पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। लगवाया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन पर फोटो प्रदर्शनी। कहा, प्रदर्शनी के माध्यम से दे रहे हैं सच्ची श्रद्धांजलि। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस के अवसर पर जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक व पूर्व महापौर डॉ सत्या पांडे ने हवन कर किया श्रद्धांजलि अर्पित। कहा, आज के युवाओं को देश हित में कार्य करते हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के भावना को बढ़ाना होगा आगे। गोरखपुर शहर को जाम से निजात दिलाने को लेकर SP ट्रैफिक की सराहनीय पहल। पैदल गश्त के जरिए प्रमुख चौराहों पर जाम के कारणों का किया मुआयना। बाएं लेन को ट्रैफिक फ्री बनाए रखने का दिया निर्देश। अतिक्रमण अभियान के तहत सड़क पर उतरे ADG जोन और कमिश्नर शास्त्री चौक से बैंक रोड तक पैदल गश्त कर किया निरीक्षण। संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में गोलघर के काली मंदिर से शास्त्री चौक तक यातायात पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ चलाया अभियान। सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। 1019 वाहनों का काटा चालान, हटाया अतिक्रमण। STS ने 2 TB मरीजों को लिया गोद, उपचार चलने तक करेंगे सहयोग। मरीजों के घर जाकर दी गई पोषण पोटली। SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई की अगुवाई में शहर के रैन बसेरों का किया गया औचक निरीक्षण। शहर के सभी रैन बसेरों में ठहरे लोगों का किया गया सत्यापन। संबंधित अधिकारी और कर्मचारीगण को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।